बाबा नैन सिंह जी महाराज नानक सार कलेरी विराजमान हन। संगतां दूरों नेड़ियों आ के लाभ प्राप्त कर दियां हन। बागा पिंड तो संत सुजान सिंह जी जत्थे समेत बाबा जी दे चरणां विच हाजरी भरन वास्ते आए हुए हन। दीवान दे समय ते तो वेले हो के आसे पासे कई बारी सैर करन निकल जांदे हन। कदे कौकिया वल, कदे गुरुसर वल, कदे कलेरां वल, पर एक दिन लाइनों लाइन जगराऊं वल जा रहे सन। अचानक लाइन ते नज़र पई भाई गुरबख्श सिंह जी, जो कि संत सुजान सिंह जी दे नाल तबला बजाया करदे सन, नाल जा रहे हन। लाइन ते उपर एक पैसा डिग्गिया पिया है, क्योंकि कई बारी बच्चे पैसा वगैरह लाइन ते उपर रख देंदे हुंदे सन, ते जदों गड्डी उपरों लंघ जानी तां पैसा चौड़ा जिहा होया देख के खुश हो जाया करदे सन। इस तरह शायद किसी बच्चे ने यह रख्या होवे ते थल्ले डिग गया होवे ते बच गया होवे। उस पैसे ते भाई गुरबख्श सिंह जी दी नज़र पै गई ते उसने वो पैसा चुक के बोझे विच पा लिया, क्योंकि अज कल तां पैसे दी कोई कीमत नहीं है। उस समय जरूर कुछ कीमत हुंदी सी। जिस वेले 2 रुपए दी 40 सेर कणक मिल जाया करदी सी, पैसा चुक के बोझे विच पा लिया अते फिरदे तुरदे वापस ठाट ते चले गए। शामां नूं कीर्तन कीता, सोदर लगा, श्री रहराज साहिब जी दे पाठ होए, उपरंत कीर्तन होया। बाबा नैन सिंह जी महाराज दीवान विच सुशोभित हन। रागियां नूं इशारा कीता, रागी खामोश हो गए।